एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी, तो आप उसके लिए जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जो तो अपना दोस्तों गांव में ना बहुत सी बेलें दिखने लगती हैं, कोई ककड़ी की, कोई करेले की, कोई चिचिंडा होता है उसकी। तो दोस्तों जो ये फूल दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, इसका नाम तो याद नहीं, पर इसे ना पहले हम इंक बनाते थे काम करने के लिए। मतलब मेरे आगे आगे चल रही है और मैं इसके पीछे पीछे। ये बंदा ना पीछा नहीं छोड़ रहा है और अलका मैडम भी आगे पर है। क्या कर रही हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार भर प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत, आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यमेश्वर घाटी में और अपनी मध्यमेश्वर घाटी के सुंदर से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, कौन दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा डुगू और इसके ना अभी भी यहाँ पर ऐसे ही झटके मार रहे सर पे। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था जोक वगैरह होगा, पर अरे गिर गया था। पर यार इसकी हालत अभी भी ऐसी है। दोस्तों एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी, तो आप उसके लिए जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है, वो आपका क्वेश्चन होगा, आपकी थिंकिंग होगी, आपको जो भी मुझसे सवाल करना है, कुछ भी पूछना है, किसी के बारे में पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Q&A वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। तो मैंने इसके लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, खैर इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन आए थे और एक पोस्ट भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हुई है, आप वहाँ भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हो और इस वीडियो के नीचे से भी कमेंट करके आप लिख सकते हो। ना मिर्च की पौधों देखो यहाँ पे ख़राब हो गए क्योंकि इस पेड़ के कारण, मतलब धूप नहीं आ पाती होगी उतनी, पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये टमाटर लगे हुए हैं और टमाटर लगते लगते ही ख़राब हो चुके हैं। आजकल टमाटर के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ देखो ये टमाटर भी ऐसे और यहाँ पर सड़ने लग गया है। डुगू कहाँ आ रहा है बच्चा, और ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो मिर्च देखो यहाँ पर ये पौधे जो ना ये तो बड़ी नहीं हुई है क्योंकि इन्हें अच्छे से धूप नहीं मिली है, और इधर की थोड़ा हो गई है पर ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है अभी, और इस वजह को नारंगियाँ लगना शुरू हो चुकी है। ये छोटी छोटी नारंगियाँ दिख ले। और देखो ये मधुमक्खी इस फूल पे से रस निकाल रही है, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हैं ये, देखो दिख रही होंगी ना यहाँ पर भी है, ये देखिए। तो ये वाला फूल नाम तो मुझे नहीं पता इसका, पर डेकोरेशन करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, सजावट के लिए लगाया हुआ होता है। और देखो इतने छोटे छोटे फूल से भी मधुमक्खी रस निकालने पर लगी हुई है, ये देखो मधुमक्खी यहाँ पे भी है। दोस्तों जो ये फूल दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला है, इसका नाम तो याद नहीं, पर इसे ना पहले हम इंक बनाते थे काम करने के लिए। मतलब उस टाइम में बहुत शौक था इसको पीस कर काम करने, इंक बनाने का। तो दोस्तों ये देख रहे हो ना, इसे हमारे पास में छंचरे बोलते हैं और ये लाल लाल होते हैं, अभी तो ये कच्चे हैं, और इसे मतलब इस यहाँ पर इस पेड़ पर बहुत ज़्यादा लगते हैं, इस वाले पेड़ के हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब लाल होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी इस टाइम पर, और काफ़ी टाइम बाद आप ये नज़ारे देख रहे होंगे, जय भैरवनाथ बनती। और यहाँ पे भी इस पर भी बहुत ज़्यादा छंजर लगते हैं, देखो। तो ये नज़ारे आप काफ़ी टाइम बाद आज देख रहे होंगे क्योंकि मैं दिखा भी काफ़ी टाइम बाद रही हूँ आज ये नज़ारे। और ऊपर ऊपर देखो कोहरा छा गया है, बादल नीचे नीचे आ रहे हैं इधर की साइड भी। तो कौन कौन मेरे ब्लॉग को मिस कर रहा है क्योंकि मैं आजकल कंटिन्यू डाल नहीं रही हूँ ना, तो बताना ज़रूर, ठीक है। दोस्तों जो ये दिख रहा है ना, ये तिल है, तिल की, तिल का पौधा देखो, और तो ये धान है, तिल का ये वाला पौधा था बीच में, देखो ये तिल के हुए हैं पूरे में, तिल लगते हैं। तो अपना दोस्तों गांव में ना बहुत सी बेलें दिखने लगती हैं, कोई ककड़ी की, कोई करेले की, कोई चिचिंडा होता है उसकी, कोई करेले की, बहुत सी बेलें अब गाँव में दिखेंगी, कद्दू की बेले, अब तो मतलब बेले बेले दिखेंगे धीरे धीरे, और उनमें बहुत ज़्यादा सब्जी भी लगेंगी।
फिर आगे आगे चल रही है और मैं इसके पीछे पीछे। वाह ये दोस्त थी, पर अब जैसे ही ये चलेगा तो वैसे ही मैं भी चलूँगी, ये नहीं चलेगा तो मैं कैसे चलूँगी। और मौसम देख सकते हो आप, आज भी ऐसे ही है, मतलब अब तो पूरे सावन में बारिश का मौसम ही रहता है। चल भी अब जल्दी यार, ये रुकेगा तो मैं भी रुक सकती हूँ। चल ना बंदा जल्दी, मतलब ये बंदर ना पीछा नहीं छोड़ रहा है, और अलका मैडम भी आगे पर है, दोनों बंदर। जय बजरंग बली। अलका क्या कर रही? हे भगवान, दोनों बंदर दोस्त है ना, इसलिए कुछ किया नहीं एक दूसरे को। तो दोस्तों आज पूरे रास्ते भर में ना बंदर ही बंदर हैं। देखो कुत्ता आराम से वहाँ पे, हाँ बंदर वो ऊपर से, ये हाल है। और एक बंदर मैंने पकड़ा हुआ हाथ पे, तो ये देखो बंदर भी खुद। अरे डॉगी रुका हुआ था कि बंदर जाएंगे तब मैं जाऊँगा। वाह ए डॉगी, ये डे बनो तड़े बनो किन्नू कटेरी ना पड़ो है, तड़े बनो ना कटेरी पे ना तड़े बनो। वो देखो बंदर ऊपर पे, चल नौ कटेरी पे ना पड़ो। हम जाने को हूँ अब, ये करो सब नहीं को ये पता नहीं यार क्या भी छक जिन बंदर हम ये पर। घर भी आ चुकी हूँ, और आजकल ना इतना बोरिंग, मतलब जब से यहाँ ज्वाइन किया ना तो बोरिंग लाइफ हो गया। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोरिंग लाइफ, मतलब काम तो करना ही पड़ता है, बट ऐसा हो गया ना लाइफ इतनी बोरिंग हो गई। सुबह उठो, ड्यूटी आओ, ड्यूटी से घर आओ, फिर से सुबह उठो, मतलब रेगुलर यही रूटीन हो गया है। बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है मुझे सीरियसली। पता मैं कैसी लड़की हूँ, मतलब मुझे ना हर वक्त कुछ नया करने का मन करता है, और मैं ऐसे एक ही जगह पर कभी नहीं टिक पाती हूँ सीरियसली। आप मतलब मन ही नहीं करता एक जगह पर टिकने का, मुझे किसी ना किसी टाइम पर कुछ नई चीज़ करने के लिए तो ना मैं कर लूँगी। तो अभी अलका तो अब आएगी घर, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई घर। और अभी देख लो मौसम, मतलब कैमरा तो ख़राब ही हो रहा है मेरा, खैर मैंने यही वाला कैमरा निकाला इस टाइम पर। अभी मेरी घर जाने की तैयारी है। यहाँ से देखो नीचे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, और क्वालिटी डाउन आ रही है इसके लिए। आई एम सो सॉरी गाइज, तभी घर निकलते जल्दी जल्दी। तो दोस्तों घर आते मम्मी जा रही है गेहूं के लिए, जो गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पे दे रखी थे देख लो। और बारिश आने का मौसम हो चुका है, और मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो आजकल हमेशा शाम को मंदिर में कीर्तन होता है। मैं आज जल्दी आई घर इसलिए आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पर तो पता नहीं जाऊँगी, अब तो उनका भजन होने वाला पूरा। और उधर से देखो बारिश आ रही है उधर से, और यहाँ से भी बारिश आने लग गई है। और मेरी माता रानी जी, मम्मा हेलो, तो मेरी मम्मा ने भी हेलो करके अपना काम निपटा दिया है। तो अभी दोस्तों अभी उनका भजन रुका हुआ है, मतलब होने वाला है अब, क्योंकि अब बारिश उधर से आने लगे ना। क्या ओह ओके ओके गुरु मान दे दूँगी। तो मम्मी भी निकल रही अभी चक्की के लिए, जो कि आटा पिसवाने के लिए देर का होता है ना, वो उसे लाएगी मम्मा। तो मम्मा जा रहे हैं अब, मैं थोड़ा चक्की बजाऊंगा। ओके बाय बाय। ओके मैडम। तो मम्मा भी चली गई, अभी तो मम्मी भी चले गई है आटा लेने के लिए, और मैं भी ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और ठंडी ठंडी हवाएं लगने मतलब शुरू हो गई हैं, इसका मतलब होता है ना अगर वहाँ से ठंडी हवाएं आने लगी तो रात को बारिश होगी होगी। और दिन में भी बारिश भी थी, दिन में से रुक गई थी, फिर धूप आ गई थी और फिर से बारिश होने लग गई है। और ना मैं वहाँ पर बैठी भी थी बैंक में, तो बगल में एक मतलब मिठाई बनाने वाले ना स्टोर है उनका ऊपर, तो वहाँ बाहर में बंदर आ रखा, तो वो आराम से वहाँ बैठा हुआ था मोटा सा,